वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज। आई होप तुसी सारे कैंट हो गए, ग्रेट हो गए और गुड हो गए। और सॉरी काफ़ी दिन तो ब्लॉग नहीं आया। एक्चुअली मेरी बेटी बीमार है, ठीक है, ता करके। और हजे भी इन्नी फर्क नहीं है, मतलब इन्ना वेल नहीं है वो, पर मैं सोचा कि आज मैंने ब्लॉग पाना चाहिए। पर गाइज तुसी भी मेरा सब्सक्राइबर 200 दा मेरा मतलब गिफ्ट मैंने नहीं दिता। चलो छोड़ो यार, छड़ो, कुछ नहीं होंदा, ठीक है। और मैं उठ गई सी, नहाना धोना सी, ते मैं हजे उठी सी ते मैं ब्रश वगैरह किया है। ते उदे तो बाद मैं सोचा मैं घर की सफाई कर ला, फिर आप बाजार जाना है। मम्मा दे ड्रेस देनी है और टेलर नू एक्चुअली मतलब स्टिच कराने वास्ते, क्योंकि आप और उदे बाद देखने की बनता है अगे अगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। गाइस आज हम जा रहे हैं बाजार। मैंने बताया था मम्मा का ड्रेस स्टिच करवाने देना है, तो जा रहे हैं। पापा का काम है, पापा वहाँ जा रहे हैं अपने काम के लिए, और हम जा रहे हैं मार्केट, ठीक है। रेडी हो गए हैं, बस निकलने लगे हैं। दीवी तो गाड़ी में भी बैठ गई है, इतनी जल्दी है उसको जाने की। बेटा मिनट, मैं आपको दीवी दिखाती हूँ गाड़ी में बैठ के। गाड़ी टर्न हो रही है और ये देखो दीवी पीछे पंगे कर रही है। ये देखो आपको दिख रही होगी दीवो। हाँ जी नहीं जा। मम्मा उसको चढ़ाने के लिए बोलते कि तेरे को नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना, तो वो रोकती है। तो गाइस मैं आपसे मिलती हूँ बाजार जाके। गाइस हम लोग बाजार आ गए थे यार, कोई भी काम नहीं हुआ, ना मम्मा का ड्रेस दिया, क्योंकि मम्मा के ड्रेस की जो लेंथ है वो कम है। मम्मा को वो एक्सचेंज करना है। और एज यूजल बैड हुआ हमारे साथ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और दीदी खाने में व्यस्त है बहुत ज़्यादा। मैं भी खा रही हूँ चिप्स वगैरह। पापा सामने वाले शॉप पे गए हैं कुछ खाने के लिए, स्टिंग वगैरह पीने के लिए, लाने के लिए। कभी उसके बाद हम जाएंगे घर। सॉरी मैं वहाँ का व्यू नहीं आपको दिखा पाई, एक्चुअली ना मैं पर दीवी थी। पापा नीरज मैंने बताया किसी काम से चले जाएंगे, वो काम से चले गए थे, तो फिर मैं दीवी के साथ ब्लॉग नहीं बना पाई। ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है इसलिए। गाइस मैं समझ नहीं आता मैं ब्लॉग में क्या बनाऊँ यार। आप मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, ना मेरे ब्लॉग को लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो यार, बहुत बुरा मन लिया। तभी मैं बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ पापा नीरज खान, पर अभी वो मेरे सामने नहीं है। जिस शॉप में गए वो शॉप सामने, पर पापा नीरज सामने नहीं दिख रहे हैं। बड़ी जोर से भूख लग रही है यार। अब मैं मनी मनी में ना डाइटिंग सोच के बैठी हुई हूँ, तो डाइटिंग भी क्या करूँ मैं, जो चीज़ मेरा दिल मांग रहा है वो मुझे खानी पड़ती है ना। शौक नहीं है वो मुझे खाने। मैं दिखाती हूँ सामने हबी आया, मैं दिखाती वो रखो हबी को खड़े वो खड़े वो मुझे पता चल रहा है कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये मेरी प्रिंसेस दीवो। हाय दीवो से हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। पापा आ रहे हो? अच्छा गीगी खाई?
खालिस आगे को खराब हो और खालिस गाइस हम उसको बाजार में एक चुल्लोगे हमारे साथ हम इसे बाजार में प्योर गर्म सूट पहन के आ गए और अब इसकी हालत गर्मी पूरी टाइट हो रखी है बच्चे को पसीना देखो कितना रखा हुआ अब हम घर जाकर पहले इसका ड्रेस चेंज करेंगे देन उसके बाद कुछ होगा अब पापा भी खाने के लिए कुछ ला रहे हैं हम लोग गिनेंगे खाने का बड़ी पहचान है हमें खुद भी मंगवाई है देवी दादू को बोल रही है इधर आओ ड्रेस मुझे दो इधर आओ आखिरी इधर आओ हम लोग स्टिंग के बहुत ज्यादा भूखे हैं आपको देखो मेरी बेटी स्ट्रिंग मांग रही है सोडा 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 पापा ने और भी कुछ लाया खाने के लिए हम वो भी खाएंगे अभी क्योंकि हम भूखे हैं खाने पीने की हमारे पनीर वाले पकोड़े नहीं तैयार हो रहे गाइस यार मैं आपसे घर जाके बात करती हूँ दीदी से बाय 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 कर बाय प्रिंसेस पहले बाय करो प्रिंसेस पहले बाय करो बाय चल ठीक है गाइस मैं घर जाके बात सॉरी गाइस हम लोग घर आके सो गए थे और मैं तो अभी भी उठी पीछे देख रही हूँ कि अंधेरा पड़ गया और मेरे को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रही थी पता नहीं गाइस अगर मैं बाज़ार वगैरह कहीं जाती हूँ ना तो मेरे को सिर दर्द होने लग पड़ती है और मेरे को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रही थी इसलिए मैं सो गई थी और मैं जस्ट अभी भी उठी हूँ और डिनर की प्रिपरेशन करने लगी हूँ मम्मा ने आटा वगैरह गूंदा है और मैं सब्जी वगैरह कट करूँगी अभी और बनाऊँगी आज बाज़ार जाना व्यर्थ ही गया क्योंकि हमें टेलर नहीं मिला और भी छोटे मोटे काम थे वो भी नहीं हुए सॉरी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे ना दीवी मिल चुकी थी और मम्मी चले गए थे पापा और नीरज चले गए थे कहीं काम मैं को नहीं पता किसी अपने काम के लिए गए थे इसीलिए और इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई सॉरी और देखो दीवी जा रही है दादू के साथ कहीं घूमने दीवो कहाँ जा रहे हो दीवी बाय बाय इधर कहाँ बाय बाय दीवी जा रही है कहीं पापा से लेके जा रहे हैं और घर की हालत देखना हमारे पापा से लेके जा रहे हैं घुमाने गाइस पता नहीं यार क्यों नहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो यार मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रखा है इस बात का इतनी हंसती हेल्दी लड़की थी मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ लोग बोलते हैं डिप्रेशन हुआ सीरियसली गाइस मुझे डिप्रेशन हो रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे मेरे 200 सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी तक और 3 मंथ हो चुके हैं मुझे अपना चैनल खोले हुए सीरियसली सो बैड फॉर मी चलो कोई ना देखते हैं आगे आगे मैं डिनर बना लेती हूँ और हो सका तो मैं क्या हो सका तो मैं कुछ भी नहीं यार मैं थोड़ा शूट कर लूँ खाना बना लूँ यार मेरा ना खाने को देख के ज़्यादा वैसा हो चुका है तो गाइस काफ़ी रात हो चुकी है हमारे घर में अभी तक कुछ नहीं बना हुआ घर बिगड़ा हुआ है बना कुछ नहीं हुआ तो मैं भी कुछ बनाऊँ और आप सब मुझे कमेंट में लिखना नीचे कि आप लोगों के घर में आज रात को डिनर में क्या बना था पक्का लिखना और पता है देखो रोज़ मेरी सासू माँ वो देखो मम्मी बर्तन साफ कर रहे हैं ना वो देखो मम्मा हाय तो मेरे से पता क्या पूछते हैं रोज़ कि महक कितने सब्सक्राइबर हुए
किन्ने हो इन्हे यार, उनका ही इलाज रख लो कम से कम, उनके पीछे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे। रोज के ज्यादा नहीं ना यार, एक दो भी अगर सब्सक्राइब कर लेना बहुत खुशी होती है। चलो बढ़ तो रही है ना, पर नहीं यार, लास्ट 3 डेज कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। मेरा सेल फोन भी खराब हो चुका है, नया लेना है, पर अब थोड़ा दिन लग जाएंगे क्योंकि आपने एक सरप्राइज है। वैसे तो मैंने बता दिया है कि हमारी शॉप खुल चुकी है और बहुत जल्दी हम उसमें कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, और उसके साथ हम एक और बिजनेस खोल रहे हैं अपना, तो देखते हैं। इसीलिए अभी मुश्किल है सेल फोन लेना, इसी से मुझे भी थोड़ा गुजर बसर करना है एक दो मंथ। उसके बीच में पता नहीं यार मुझे कब मिल जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बताते नहीं हैं, कभी भी मेरे लिए फ़ोन आ जाता है, और मुझे पता आज तक मुझे कभी पता नहीं हुआ कि मेरे लिए फ़ोन आ रखा है या फ़ोन आएगा। बस इतना पता है, मैं इतना बता दी कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, फिर बस मुझे रोज़ ही ऐसे रहता है कि पता नहीं कब आ जाएगा मेरा न्यू फ़ोन। तब तक तो इसी से शूट करूँगी, और कभी कभी हबी के फ़ोन से शूट करती हूँ। पता मेरे फ़ोन की क्वालिटी साफ नहीं आती, और हबी के फ़ोन की एक निशान पता चल जाएगा आपको कि आज मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से शूट किया, क्योंकि उनके फ़ोन की शूट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्लियर आती है। और बस इसलिए थोड़े दिन की बात है, ओके सोके कर लेते हैं। और तो गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है मैं आपसे बातें ना करूँ, ज़्यादा काम करूँ, बातें कम काम ज़्यादा है। तो मैं आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब पक्का करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस पक्का करें, ओके। तो पीछे बटन खड़क रहे हैं, मैं भी हाथ खड़का लूँ थोड़े से। बाय बाय।